नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो से आप लोग जानेंगे कि रेलवे में जो LHB कोचेस होते हैं उसके जो DB पैनल बोर्ड होते हैं, तीन किस्म के, एक नॉर्बीम्स, एक फेबली कंपनी और नया अभी अपडेट हो रहा है स्कॉट कंपनी। मैंने तीनों का वीडियो अब छोड़ रहा है, आप लोग देख लीजिए उसमें क्या क्या डिफरेंस है। चैनल पर नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। देख रहे हैं लाल रंग के जो कोच है, ये कोच आपके बने हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब ICF के। आप लोग देख सकते हैं ये ICF के टेंसिल लगा हुआ है। दूसरा CVC से इनके जो CVC है थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये इस टाइप का ही होता है। लेकिन ये सैंक में देखिए, ये सैंक थोड़ा डिफरेंस का है और इनके जो वायर प्लेट इधर लगा हुआ दूसरा किस्म का है और ये थोड़ा डिफरेंस का है। ये कपलर बॉडी देख रहे हैं ये इस टाइप के, लेकिन इनमें से कुछ मॉडिफाई हुए हैं, ये जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से एक कोच निकला है। सामने आप लोग देख सकते हैं ये जो DB पैनल बोर्ड है, ये नॉर्बीम्स का है। मैं दिखा रहा, चलिए देखिए नॉर्बीम्स का है, मैं दिखा रहा, चलिए। देखिए नॉर्बीम्स के आपको DB पैनल बोर्ड है। सामने आप देख सकते हैं ये DB है, ये कंट्रोल रिजर्वर है। पीछे में देखिए दो ऑक्सिलरी रिजर्वर है, एक 75 पर टॉयलेट का और एक 125 है आपको ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। इसके जो CR का कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 6 लीटर का होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये DB पैनल बोर्ड में एक लीवर लगा हुआ है, ये मैनुअल रिलीज करने के लिए, लेकिन इस मैनुअल रिलीज इधर से टालने से होता है। अगर नहीं होता तो इसमें देख सकते हो इसको टालने से ये रिलीज होता है। अभी देखिए ये इसमें ब्रेक सिस्टम में है। अभी इस पैनल बोर्ड में देखिए बहुत सारा बटन है, मैंने आप लोगों को एक एक करके बटन ये नॉर्बीम्स के मैं दिखाएंगे। इसमें देखिए ICF में हम लोग जब बोगी को ब्रेक बैंडिंग से आइसोलेट करते थे वो अंदर में होते थे, लेकिन इधर देखिए दो है, एक BC1 एक BC2, ये इंडिकेट करता है इस तरफ का बोगी के लिए और ये इंडिकेट करता है इस तरफ के बोगी के लिए आइसोलेट करने के लिए। उसी तरीका के जो एक बोगी का इस तरफ का बोगी का ये इंडिकेटर है, ब्रेक होने से आपको लाल होगा और ब्रेक छूटने से ग्रीन होता है, तो उसी तरीके के ये इंडिकेटर उस तरफ को मेंशन करते हैं। पकड़ लीजिए आप इसको आइसोलेट करेंगे, अभी ऑन पोजिशन है। आइसोलेट करने से पहले ऐसे घुमा दीजिए और उस दौरान आपको इधर आपको रिलीज हो जाएगा। देखिए मैंने जिसको आइसोलेट किया था वो रिलीज हो गया, मतलब इस तरफ का जो बोगी आइसोलेट किया, देखिए इंडिकेटर इधर ग्रीन हो गया और उस तरफ का बोगी आपको रेड रह गया। अभी आपका इस तरफ का बोगी और ब्रेक पावर नहीं रहेगा, जबकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता हम लोग आइसोलेट करने से और ये गाड़ी आराम से जा सकता, लेकिन ब्रेक इसमें एप्लीकेशन नहीं होगा। तो चलिए अभी स्टैंड बाई गाड़ी है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखा दिए, तो मैंने फिर से इसको ऑन कर देता, देखिए रेड हो जाएंगे, देखिए रेड हो गया, मतलब दोनों बोगी में आपके ब्रेक पावर हो गया। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट दिखता है, जैसे कि देखिए टेस्ट पॉइंट BC का माने ब्रेक सिलेंडर के लिए, टेस्ट पॉइंट CR का मतलब कंट्रोल रिजर्व के लिए। ये देखिए चेक वाल्व है, मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, ये नॉन रिटर्न वाल्व आपका आइसोलेट होता है, जो कि 75 टॉयलेट का सिस्टम से जो ऑक्सिलरी रिजर्वर जाते हैं 75 में इनपुट होने के आगे लगा हुआ। और ये देखिए चेक वाल्व मतलब NRV बोले जाते हैं, ये चेक वाल्व आपको 125 ब्रेकिंग सिस्टम में आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर घुसने के आगे इसमें फिटिंग किया गया। ब्रेक पाइप का चेकिंग पॉइंट देखिए इधर दिख रहा है आपको, ये देखिए इसमें लिखा है आइसोलेटिंग कॉक विदाउट वेंट FP, मतलब हम लोगों को जो मेन पाइप से जब आपको ये DB तरफ आते हैं आपको ऑक्सिलरी रिजर्व घुसने का आगे, ये आइसोलेटिंग कॉक ICM में दिखते थे वो सेम ये चीज़ इसमें फिटिंग किया गया, मतलब ये FP में कुछ प्रॉब्लम होने से ये आपको मेन पाइप 10 पाइप कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस बोर्ड तरफ का लाइन ऑफ करने के लिए FP आइसोलेट किया जाता है। ये देखिए इधर लिखा है आइसोलेट कॉक विथ कट वेंट टॉयलेट, मतलब आपको
इस तरीके से जो इधर से जो प्रेशर जा रहा है, अगर टॉयलेट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता तो इसको आइसोलेट करके रखिए। अभी देखिए ये आइसोलेट में ही है। अभी दो पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, एक लिखा है एयर फिल्टर बीपी और एक लिखा है एयर फिल्टर एपी। मतलब आप लोग जानते हैं आईसीएफ में डार्ट कलेक्टर बोल के कुछ यूज़ किया जाते हैं, तो ये सभी पैनल बोर्ड में होता है। ये देखिए जब लाइन कनेक्शन आपको मेन पाइप से आ रहा है, उसके बाद में ये डार्ट कलेक्टर या तो फिल्टर ये बैठने के बाद में डीवी में आपको जाते हैं। इसका काम है कि गर्दा जितना भी होगा इसको फिल्टर करके ये हवा डीवी में घुसाया जाए। तो ये एपी के लिए एक बीपी के लिए लगा हुआ है। ये देखिए प्रेशर स्विच बोल के कुछ दिया है। ये WSP सिस्टम जो है, इस WSP सिस्टम को वर्क करने के लिए देखिए इधर एक कनेक्शन दिया हुआ है, एक वायर, और पीछे से एपी का हवा इसमें आते हैं। और एपी का हवा इसमें कितना आते हैं, जब एपी प्रेशर चालू होता है तो 1.8 से 6 से लेकर 8 तक जब ही हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, WSP सिस्टम में माइक्रोप्रोसेसर को ऑन कर देता है और ये रिलेटेड रहता है K5 फ्यूज़ का साथ में, उसमें से इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। उस दौरान आपको WSP सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन होता है। अगर उसमें एक टाइमर लगा होता है जो कि आपको एपी पाइप अगर काट दिया जाता है तो 1.3 होने से वो ऑटोमेटिक आपको मदर जो बोर्ड है, ये मदर बोर्ड नॉर्बिम्स के ही होंगे वो माइक्रोप्रोसेसर, वो ऑटोमेटिक ऑफ होगा। लेकिन 10 मिनट तक उसमें टाइमर लगा होता, 10 मिनट तक प्रेशर अगर नहीं भी रहेंगे तो 10 मिनट तक वो प्रेशर रह सकता है, मदर बोर्ड ऑन रह सकता है। ये देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर में दो ड्रेन को जिसमें दिया हुआ है, 125 में और एक आपको 75 में। इसमें से क्या होता है, जब इस टैंकी वॉश होता है इसमें से इसको वॉश किया जाता है। डीवी देखिए, ये डीवी को आइसोलेटिंग हैंडल है, तो इसको अगर ऑफ, इसको अगर आप उठा के ऐसे कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो डीवी वर्क और नहीं करेंगे। जबकि गाड़ी ब्रेक बेंडिंग होता है डीवी मॉल फंक्शन के लिए, डीवी के लिए, तभी इधर से आइसोलेट किया जाता है डीवी को, और जैसे वर्क ना करे। अगर बोगी, वन बोगी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसको आइसोलेट किया जाता है, या तो इसको जिस तरफ होगा उस तरफ को बोगी को आइसोलेट कर दीजिए और वो ब्रेक पावर नहीं होगा उसमें। देखिए मैं इस तरफ का बोगी को अभी आइसोलेट कर रहा, अभी ये अभी रेड है, देखिए कैसे ग्रीन हो जाएगा, मतलब इनके जो ब्रेक है ब्रेक छूट जाएगा। देखिए मैं ऑफ कर दिया, इस तरीके से देखिए ग्रीन हो गया, फिर से मैं ऑन कर दे रहा, देखिए ये फिर से रेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए अगर नॉर बीम्स के पैनल बोर्ड होता है तो नॉर बीम्स के डम बल्ब दिए जाते उसी कंपनी के, ये डम बल्ब उन्हीं के दिए जाते नॉर बीम्स कंपनी के, और उनके जो ब्रेक कैलिपर है इस तरीके के दिखता है, इधर कुछ भी नहीं रहेगा, फ्री रहते हैं, और उधर 27 mm के आपको एडजस्टर नट बोल्ट है, ये कैलिपर नट बोल्ट बोला जाता है, 27 mm में उसको खोला जाता और लॉक किया जाता, और ये इधर देखिए ये कैलिपर पिन है, लेकिन फेबली कंपनी होने से उनके इधर कवर होता है। इसको देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि नॉर्बीम्स है, फेबली है, या तो स्कॉट नया है उनके है। मैं आपको जो इस नॉर्बीम्स के ही आपके ये होता है, देखिए इसमें जो स्पीड सेंसर लिखा है देख सकते हैं नॉर्बीम्स का है, मतलब आपके WSP सिस्टम में ये स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डम बल्ब और उसका जो ब्रेक कैलिपर सब नॉर्बीम्स के ही होंगे। और इधर जो आपको जो गैप मेंटेनेंस किया जाता है, नॉर्बीम्स में अलग होता है, फेबली में अलग होता है, मेरा WSP सिस्टम में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। इधर आपके नॉर्बीम्स के लिए 0.9 से लेकर 1.4 तक का इसमें गैप मेंटेनेंस किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे है तो कमेंट कीजिए। मैं इधर ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नॉर्बीम्स के लिए इसमें जो पैनल बोर्ड है इसके एक्सप्लेन किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।